हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। अमित यादव, ललिता, आवाज आ रही है मेरी? बेटा बोल के बताओ, आवाज आ रही है ना मेरी? रावण यस चौथा सर। क्लियर, वीडियो क्लियर दिख रहा है, सामने बोर्ड क्लियर है, बोल के बताइए। ओके यस सर। बेटा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? रश्मि परसोया, सर। आवाज आ रही है? हाँ ओके, तो देखो सबसे पहले मैं कब बात कहूंगा आपको कि लाइव क्लास हमारी शुरू हो गई है। आपको पता है आपने कल क्लास ली थी, तो आपकी जो फ्रेंड्स हैं उनको भी आप बोलिए कि टाइम पर जो है क्लास में ऑन हो जाएं सारे बच्चे। और आपको करना और क्या भाई, है, अपनी तरफ से, सुन रहे हो मुझे? यस सर। ओके, अपनी तरफ से वॉइस को म्यूट रखना है, वीडियो को म्यूट रखना है, ठीक है? मैं क्लास स्टार्ट करता हूं अब, आप म्यूट कर लीजिए अपनी तरफ से। कर लिया सर। अब बताओ ऑल म्यूट। हाँ, आवाज आ रही है बच्चों के पास? अब आप म्यूट कर दो पिछले अपने हाँ, यहां करके पार्टिसिपेट और ये पार्टिसिपेट में ना ये बच्चे कनेक्ट हो गए ना। ओके, इंटरव्यू हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर अपन जाके पार्टिसिपेट में जाके फिर उसको करना पड़ेगा ना। ठीक है। ओके ठीक है सर, थैंक यू। क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, पहले मैं एक बात बताता हूँ आपको, हमारी जो बुक्स है एनसीईआरटी की बुक्स है, आपको मालूम है लास्ट टाइम जो बुक चलती थी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की थी, अभी जो बुक्स है हमारी वो एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी में आपको जो बुक लेनी है फ्लेमिंगो, हमारे जो पुराने बच्चे हैं उन सबके पास है, कुछ नए बच्चे जो एडमिशन लिए हैं, नए बच्चे जो ऐड हुए हैं उनके लिए है एक तो फ्लेमिंगो, और एक है बुक हमारी विस्टास, ठीक है? ये हमारी दो बुक चलेगी एनसीईआरटी की, जो बुक चलेगी वो, यही आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं हो कि आप पुरानी वाली बुक लेकर के आ जाओ फिर को सर कोर्स हमारा दूसरा आ गया, ठीक है ना? लक्ष्मण प्रजापत बेटा, वीडियो ऑफ कर लो अपना। ललिता जहांगीर, वीडियो ऑफ कर लो बेटा। ललिता, वीडियो ऑफ कर लो। देखो ध्यान देना, आपको एक बात बताता हूँ, हमारा टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम इजी टू हार्ड चलेंगे। इजी टू हार्ड का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम इजी टॉपिक देखेंगे कि हमारे 12th क्लास में कंपलसरी इंग्लिश के अंदर सबसे इजी टॉपिक कौन सा है। तो देखो मैं बता देता हूं आपको, एक टॉपिक पढ़ाऊंगा उसके साथ साथ दूसरा टॉपिक आपका क्लियर होगा ऑटोमेटिक। कैसे होगा वो मैं बताऊंगा। ओके देखिए, और टॉपिक का नाम है हमारा वो है स्पीच। हम राइटिंग सेक्शन पढ़ेंगे इसका, जो राइटिंग पार्ट है राइटिंग के अंदर वो पढ़ेंगे स्पीच। स्पीच आप सभी ने 11th में ही पढ़ा था, थोड़ा तरीका यहाँ चेंज मिलेगा, बहुत अच्छे तरीके से मैं बताऊंगा। सारे बच्चे अपनी कॉपी भी ले लीजिए, पेन ले लीजिए, और मैं आपको टाइम दूंगा प्रॉपर, आप उसको साथ साथ मेरे राइट डाउन करते रहिए। ओके क्लियर है? देखिए स्पीच बनाने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा जो स्पीच वाला टॉपिक है, कभी सर क्लास टेस्ट ले ले, एग्जाम हो जाए तो उसके लिए हमें करना क्या है, इसमें हमें ध्यान रखना है वर्ड लिमिटेशन की, कि हमारे जो वर्ड्स हैं वो कितने होने चाहिए। तो बेटा आपको बता देता हूँ, 125 वर्ड्स, 125 शब्द में हमें ये कवर करना है। 125 शब्द का मतलब होता है 13 से 15 लाइन। इज दैट क्लियर? हो जाती है इतने में तो। उसके बाद आपको ध्यान रखना है इसमें टाइम का, कि इसमें कितना टाइम हमें स्पेंड करना है। तो बेटा आपको इसमें जो है मैक्सिमम 15 मिनट आपको लगानी है। जब आपके सामने स्पीच का कोई टॉपिक आ जाए तो आप क्या करेंगे, 15 मिनट्स यू हैव टू स्पेंड टू सॉल्व दिस टॉपिक। इज दैट क्लियर? ओके, आप बात आती है कि मार्क्स की, तो देखो एग्जाम में जो इसके मार्क्स होते हैं वो आते हैं 7। कितने आते हैं? 7 मार्क्स का होता है ये, समझ गए आप सभी? ओके, तो देखो अब स्टार्ट करते हैं हमारे स्पीच को। स्पीच में क्या
क्या होता है कि कई बच्चे ये सोचते हैं कि सर स्पीच में मैं क्या याद करूं, मेरे पास तो 10 स्पीच दे दिया, जैसे टीचर डे पे स्पीच बोलना है, गांधी जयंती पे स्पीच बोलना है, एनुअल फंक्शन पे स्पीच बोलना है, या एनवायरमेंट डे पे स्पीच बोलना है, सर क्या करूं ऐसा। तो ऐसी प्रॉब्लम आपके सामने बिल्कुल नहीं आएगी, ठीक है, बिल्कुल भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस आपको जो है समझना है, ये तरीका बहुत अच्छा है और आपके लिए हर क्वेश्चन को सॉल्व करेगा स्पीच से रिलेटेड। इज दैट क्लियर? ओके, देखो स्पीच जब बोलते हैं, हम स्कूल से रिलेटेड हैं, स्कूल में कोई फंक्शन होता है, हमारा नंबर आता है, हमें कहते हैं स्पीच बोलो, तो स्पीच को कैसे बोलना है, स्टार्टिंग करते हैं। देखिए स्टार्टिंग में लिखना है आप लोगों को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ यू, ये आपको लिखना ही लिखना है, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सामने जो भी बच्चे बैठे हैं, लक्ष्मण प्रजापत बेटा आप वॉइस को म्यूट कर लो, मेरी आवाज आ रही है, एक बार यस बोल के बताओ। यस सर। ओके बेटा, अब आपको वॉइस को म्यूट करना है, और समझ में आ रहा है मैं बता रहा हूँ जो? सर यस सर, कोई वीडियो चालू कर रखा है, दिख रहा नहीं है, दिख रहा नहीं है, वीडियो चालू कर रखा है बेटा, कौन वीडियो चालू कर रखा है, बंद कीजिए बेटा आप सभी, नहीं ऐसा किसी ने नहीं कर रखा बेटा, ये कार्तिक वर्मा सर अभी दिख रहा नहीं है, हाँ ये कार्तिक ही है सर, नहीं इसने तो ऑफ कर रखा है बेटा सबने, आप जो है लखन ये आप अपनी वॉइस म्यूट कर लीजिए, ठीक है, अब कोई प्रॉब्लम मैं दिख रहा हूँ अब, ओके यस सर, वेरी गुड बेटा, कॉपी लेके बैठना और आपको पढ़ना है। देखिए स्टार्टिंग में लिखना है आपको गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, उसके बाद हमारे स्कूल में कौन होते हैं, डायरेक्टर सर होते हैं, प्रिंसिपल सर होते हैं, गेस्ट भी आ जाते हैं, सभी स्टूडेंट्स होते हैं, सभी टीचर्स होते हैं, उन सबको हमें सैल्यूटेशन देना है, उनका अभिवादन करना है। तो देखो कैसे लिखना है, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, उसके बाद जस्ट नीचे लाइन में आपको लिखना है रेस्पेक्टेड, रेस्पेक्टेड चीफ गेस्ट, कोमा लगाना है, प्रिंसिपल सर, फिर कोमा लगाना है आपको, डायरेक्टर सर, रेस्पेक्टेड चीफ गेस्ट, प्रिंसिपल सर, डायरेक्टर सर, फिर कोमा लगा के ऑल वर्दी, मैं आपको सारे अच्छे समझाऊंगा एक एक अक्षर, All worthy teachers and my dear sisters and brothers, यहां पर आप my dear friends भी कर सकते हैं, all of you, सभी students के लिए जो है, but best होता है हमें word limitation को increase करना है, बढ़ाना है इसके लिए, okay? देखिए मैंने लिखा रेस्पेक्टेड चीफ गेस्ट, इसका मतलब आदरणीय, सम्मान देते हुए बोलते हैं, मुख्य अतिथि महोदय, प्रिंसिपल सर, डायरेक्टर सर, ऑल वर्दी टीचर, देखो बेटा वर्दी का मतलब होता है सभी समर्थ योग्य अध्यापक, एंड माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, और मेरे प्यारे भाई बहनों, समझ में आ गया? यस, फिर लिखेंगे माय नेम, अपने बारे में बताएंगे, माय नेम इज, अपना अपना नाम लिख लीजिए यहाँ पर जैसा भी हो, जैसे माय नेम इज मैंने लिखा है यहाँ पर कॉमन एक राम, आप अपना नाम लिख सकते हैं, दीपक मीना, दीपक मीना लिख ले, अमन व्यास है, हितेश, जो भी कनेक्ट हुए हैं सारे बच्चे, क्लियर है? ओके, तो माय नेम इज राम, फिर अपने बारे में बताएंगे आप कौन सी क्लास से पढ़ते हैं, ठीक है, आई एम अ रेगुलर, आई एम ए रेगुलर स्टूडेंट of class 12th, आप सभी 12th में अब, ओके, class 12th in, और अपने स्कूल का नाम डाल देंगे, मेहता पब्लिक स्कूल,
मेहता पब्लिक स्कूल, इतना काफी है, समझिएगा। देखो आपको आधे से ज्यादा मैं आपको वैसे ही बता दूंगा, उसके बाद क्या होगा कि आपको जो वर्ड्स ऐड करने हैं, कोई टॉपिक आ जाए सेव वाटर पे, तो आपको 5 सेंटेंस ऐसे बताऊंगा जिसमें आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, सभी को सुबह का नमस्कार। रेस्पेक्टेड चीफ गेस्ट, प्रिंसिपल सर, डायरेक्टर सर, ऑल वर्दी टीचर्स एंड माई डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि तो बेसिकली हम लोग यूज करते रहते हैं, ठीक है। और अपने लिए आप बताते हो कि माई नेम इज राम, मेरा नाम राम है, अपना अपना नाम बताते हो, कौन से स्कूल में पढ़ते हो, आपने कहा आई एम अ रेगुलर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 इन मेहता पब्लिक स्कूल। ओके, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। इसी में ही आपको ये लिखना ही लिखना है, ये ध्यान रखना। टुडे वी आर, टुडे यानी आज, टी ओ डी ए वाई, कन्फ्यूजन हो तो बोल देना, आपको सिर्फ प्रॉब्लम हो हैंडराइटिंग में आपको समझ में नहीं आ रहा बोल देना, वॉइस में प्रॉब्लम हो बोल देना। टुडे वी आर गैदर्ड हियर टू, टुडे वी आर गैदर्ड हियर टू सेलिब्रेट द फंक्शन, फंक्शन दिख रहा है आपको, ओके, एफ यू एन सी टी आई ओ एन दिख जाएगा यहाँ तक आपको, चलो आगे लिख देता हूँ मैं, टू सेलिब्रेट द फंक्शन। अब देखो यहाँ पर मैं स्पेस कर रहा हूँ, स्पेस का मतलब है कि जो फंक्शन हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसके लिए स्पीच बोल रहे हैं, उस फंक्शन का आपको क्या करना है, यहाँ नाम लिख देना है, चाहे कुछ भी हो, टीचर डे, एनवायरमेंट डे, या जैसे भी रिलेटेड हो, चिल्ड्रंस डे, कुछ भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। क्लियर, अब आगे चलते हैं। सो आई एम स्टैंडिंग, सो आई एम स्टैंडिंग हियर टू एक्सप्रेस माय व्यूज, वी आई ई डब्ल्यू एस, माय व्यूज, मेरे विचार। सो आई एम स्टैंडिंग हियर, इसलिए मैं यहां पर खड़ा हूं, देखो इसको ऐसे और बोलते हैं, सो आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू, सो आई एम स्टैंडिंग ऑन द स्टेज, ठीक है, टू एक्सप्रेस माय व्यूज ऑन दिस फंक्शन, जो हमने यहां ऑन दिस फंक्शन किया है, वाई स्पेशली आप किसी टॉपिक का नाम भी लिख सकते हैं कि आप एनवायरमेंट डे पे किस चीज पे बोलना चाहते हैं, एक मोटिवेशनल पोएम बोलना चाहते हैं तो पोएम का नाम, और फंक्शन से रिलेटेड बोलना चाहते हैं, then choice is yours, okay, so I am standing here to express my views on this function, if you find any mistake, please ignore it, please ignore it, और मैं यहां पर कर रहा हूं, देखो बच्चों स्पेस कर रहा हूं यहां पर, स्पेस का मतलब है बेटा यहां पर टू बी कंटिन्यू, क्या है यहां पर टू बी कंटिन्यू, यानी पूरा नहीं हुआ है, ये एक सैल्यूटेशन है, स्टार्टिंग हमने किया है, अपने बारे में बताया, अभी जो टॉपिक से रिलेटेड होगा उसके बारे में मैं बताऊंगा, तो एक बार आप इसको तुरंत लिख लीजिए, 2 मिनट का टाइम देता हूं, और मेरे को बोल दिए यस सर आगे चलिए, फटाफट लिख लीजिए, फिर मैं आपको समझा देता हूं आगे क्या करना है उसके बारे में बताता हूं। जैसे ही कोई बच्चा लिख लेता है मेरे को कह देगा, मैसेज डाल देगा, यस सर हमने लिख लिया है, यस सर लिख लिया, ओके, और बाकी दीपक, अमन, हितेश, संजय, हरीश, नहीं सर नहीं लिखा, बेटा लिख लो जल्दी लिख लो, राहुल चौधरी, साहिल, संजय, यस, अदिति, बेटा लिख लिए, रश्मि, यस सर, वेरी गुड, आगे चलें, यस सर, ओके बेटा ठीक है, आगे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं इसको, आगे वो इसको म्यूट रखना है आपको, ठीक है ना, ओके वेरी गुड, यस, गैलेक्सी J2, बेटा अपना नाम लिख दिया करो,
ललिता ने यस बोल दिया है, ललिता ने लिख लिया है। देखो मैं इरेज कर रहा हूँ, अब इसको एक बार समझ लीजिए पहले फिर से। देखो जब भी क्वेश्चन में आपके क्लास के अंदर मैं आपको कोई भी क्वेश्चन दूं, समझिएगा ध्यान से, कोई भी क्वेश्चन दे दिया, सपोज दैट मैंने कहा कि आपको चाइल्ड लेबर पे जो है कि स्पीच बनाना है, समझ गए, ओके, चाइल्ड लेबर पे स्पीच बनाना है तो आपको ये चीज आपको लिखना ही लिखना पड़ेगा। कैसे लिखना है देखो फिर से समझना इसको। आपने लिखना है गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, सभी को सुबह का नमस्कार, रेस्पेक्टेड चीफ गेस्ट, प्रिंसिपल सर, डायरेक्टर सर, ऑल वर्दी टीचर्स एंड माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, कि स्कूल के सभी जो है अध्यापक, सभी मेरे भाई बहन, मुख्य अतिथि महोदय, प्रिंसिपल सर, डायरेक्टर सर, सभी को मेरा जो है सुबह का नमस्कार, और सभी को जो आदरणीय बोल करके ये बात बोल रहे हैं। देन माय नेम इज राम, आप अपना अपना नाम लिख देंगे कि मेरा नाम राम है, आई एम अ रेगुलर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th, आप अपने यहाँ पर आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, जो भी आप करना चाहो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। इन मेहता पब्लिक स्कूल, कि मैं मेहता पब्लिक स्कूल में एक रेगुलर विद्यार्थी हूँ, और अगर क्वेश्चन में आ जाता है किसी और स्कूल का नाम, ध्यान रखिएगा, जैसे गवर्नमेंट स्कूल का नाम आता है अधिकतर, तो आप उस स्कूल को जो है उसी का नाम लिखना है जो क्वेश्चन में है, ओके, टुडे, आज। अब देखो यहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट होती है, आपको यहाँ क्रिएट नहीं होगी प्रॉब्लम, क्योंकि ये तो बेसिक बात है। ये तो टुडे वी आर गैदर्ड, टुडे यानी आज, वी आर गैदर्ड, हम इकट्ठे हुए हैं हियर, यहाँ पर, टू सेलिब्रेट द फंक्शन, ये फंक्शन सेलिब्रेट के लिए, जो फंक्शन का नाम जैसा यहाँ पर होगा वो लिख देंगे जो हम स्टार्टिंग में लिखेंगे। सो आई एम स्टैंडिंग हियर टू एक्सप्रेस माई व्यूज ऑन दिस फंक्शन, इसलिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ आपके सामने इस फंक्शन पे बोलने के लिए। इफ यू फाइंड एनी मिस्टेक, अगर इसमें कोई गलती हो, प्लीज इग्नोर इट, तो इस पर ध्यान ना दे, या प्लीज फॉरगेट इट, और बाकी टू बी कंटिन्यू लिखा है। आप देखो कंटिन्यू में मैं आपको कुछ लाइन बताऊंगा, आपको समझना है, ओके, अब इरेज कर रहा हूं मैं इसको। आपको इसको एक तरह से दो तीन बार लिख करके और याद कर लेना है, ओरल बोलना है, ताकि आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो बाद में। और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं आपसे जुड़े हुए हैं कुछ, उनको भी आप बोलिए कि लाइव क्लास में जो है प्रेजेंट होए, आपकी प्रेजेंट बहुत जरूरी है, बाद में प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि पता नहीं कितना कोर्स इसमें हो जाए, स्कूल कब तक चल ऑन हो, ऑफलाइन में आ जाए, तो ऑनलाइन जो होगा वो एज इट इज आपको ऐसा लगेगा जैसे हम लाइव आपके सामने एक ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, आपके सामने हैं, क्लियर, ओके। देखो अब उसको जो मैंने टू बी कंटिन्यू लिखा है उसमें आगे कैसे इंक्रीज करें, कैसे बढ़ाएं, तो देखो मैं कुछ पॉइंट लिख रहा हूं। वन, जैसे हमने लिखा प्लीज इग्नोर इट, इसके बाद में हम लिखते हैं, देखिए यहां पर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू से दैट, और डैश 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 कर देना है। लाइन आपको लिखना ही लिखना है, किसी भी स्पीच के अंदर जब आप बोलेंगे, एक मोटिवेट करेंगे, कोई संदेश देंगे, एक मैसेज देंगे, तो आपको ये लाइन बोलनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू से दैट, कि सबसे पहले मैं आपको कहना चाहता हूं कि, फिर जो बात कहेंगे वो मैं बताऊंगा कैसे आपको लर्न होगी, ऑटोमेटिक आपको लर्न हो जाएगी अगर आपने एक बार ये लाइन्स याद कर ली तो, फर्स्ट पॉइंट। फिर उसके बाद सेकंड, इट इज आवर ड्यूटी टू, इट इज आवर ड्यूटी टू, ये हमारा कर्तव्य है कि, कोई भी हो के कोई ड्यूटी हो कैसा भी हो, तो इसमें आता है यह हमारा कर्तव्य है कि, थर्ड पे वी हैव टू, या इसकी जगह ले सकते हैं वी आर टू, डैश 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 लगाना है। मेरे साथ साथ आप पॉइंट्स को लिख लीजिए, पॉइंट्स बहुत जरूरी है, क्योंकि इनके बिना आप जो है स्पीच पे आगे नहीं इंक्रीज नहीं कर पाएंगे, बढ़ा नहीं पाएंगे। आगे देखते हैं थर्ड पॉइंट, We have to keep in mind, we have to keep in mind, इन सब का अर्थ बताऊंगा मैं आपको, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, स्पीच आप कभी नहीं भूलोगे दोबारा से। नेक्स्ट पॉइंट फिफ्थ, we
हैव टू ऑलवेज रिमेंबर वी हैव टू ऑलवेज रिमेंबर एक लास्ट पॉइंट और है और फिर इसको बताओ कैसे फिल करेंगे सिक्स पॉइंट एट लास्ट देखो एक बात अपने माइंड में सेट कर लीजिए आप लोग जब इग्नोर इट आप बोल देंगे आपके देखो कॉपी में देखिए लास्ट में लिखा हुआ इग्नोर इट है ना उसके बाद आप फर्स्ट ऑफ ऑल इससे स्टार्ट करेंगे इनमें जितने पॉइंट्स आप बना सकते हैं इससे रिलेटेड बनाएंगे लास्ट वाला जो है एट लास्ट मतलब लास्ट में ही आपको ये लिखना है तो क्या करेंगे एट लास्ट आई वॉन्ट टू से दैट आई वॉन्ट टू से दैट अब इन सबको फिल करेंगे एक बार आप इसको लिख लीजिए और मुझे बता दीजिए कि सर हमने लिख लिया है फिर मैं समझाता हूँ क्या करना है फटाफट से आप इसको नोट डाउन कर लीजिए सारे बच्चे फटाफट से सारे बच्चे देखो एक स्टूडेंट और आ गया हमारे सामने अदिति अमन अमित राहुल जितेंद्र बलराम दीपक मीणा दीक्षा हरीश वेरी गुड हितेश ने लिख लिया है आप सभी स्पीड बनाइए कार्तिक वर्मा कुशाल करण जाट किशन सैनी लखन सिंह लक्ष्मण राहुल सभी आ गए हैं आप अपने फ्रेंड्स को और बोलिए ताकि कंटिन्यू रहे नेक्स्ट क्लास में उसकी क्लास मिस नहीं हो वेरी गुड दीक्षा ने यस सर वेरी गुड बोलना नहीं आपको बेटा वरना म्यूट करूंगा सबको आपको सिर्फ लिख करके मैसेज डाल देना यस सर लिख लिया हमने ओके लिख लिया सभी ने हितेश सिंह बेटा लिख लिए किरण जाट लिख लिए क्या नहीं सर जल्दी लिखो बेटा जल्दी लिख के मुझे यस बोलो और फिर मैं आगे पढ़ाता हूँ पांच छह पॉइंट है ये छह पॉइंट आपके बहुत हेल्प करेंगे क्योंकि हम इसके साथ एक टॉपिक और लेके चलेंगे जो मैं बताऊंगा आपको कौन सा इसको समझाने के बाद में बताऊंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा एक टॉपिक याद करेंगे दूसरा ऑटोमेटिक याद होगा Have you done? All the students, have you done? Okay, Hitesh. Yes, sir. Very good, बेटा ठीक है अब देखो इसको समझाता हूं मैं आपको समझना बेटा ध्यान से अब लिखना एक बार स्टॉप राइटिंग मतलब लिखना बंद कर दीजिए और यहां ध्यान दीजिए देखो जब भी आप स्पीच का सैल्यूटेशन लिख देंगे गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू रेस्पेक्टेड चीफ गेस्ट प्रिंसिपल सर डायरेक्टर सर ऑल वर्दी टीचर्स एंड माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स माय नेम इज राम आई एम अ रेगुलर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 बिल्कुल सही आ रहा है सर कोई प्रॉब्लम नहीं ओके फिर उसके बाद में आपने कहा कि टुडे वी आर गैदर्ड हियर टू सेलिब्रेट द फंक्शन फंक्शन का नाम कुछ भी आ जाए जैसे एनवायरमेंट डे आ गया सपोज दैट कि एनवायरमेंट डे आ गया है ना So today we are gathered here to celebrate the function, the Environment Day. समझ में आया? उसके बाद, so I am standing here to express my views on this function. Yeah, express my views on to save water. ऐसे कर सकते हैं कोई problem नहीं है. If you find any mistake, please ignore it. Okay. अब देखो क्या करना होता है उसके बाद. First of all, I want to say that. सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं क्या कि ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाऊंगा बेटा ध्यान रखना देखो इधर लिख रहा हूं मैं वो पढ़ाऊंगा आपको क्या चीज पोस्टर जैसे ही आपका पोस्टर नाम का टॉपिक क्लियर होगा उसमें आपके ये पॉइंट्स ऑटोमेटिक यहां आपको लर्न हो जाएंगे उससे रिलेटेड आपका स्पीच जो है ये वाला पार्ट जो है वो इससे रिलेटेड है जिसकी मैं बात कर रहा था एक टॉपिक और पढ़ाऊंगा मैं जो अब नेक्स्ट क्लास में हमारा चलेगा अभी स्पीच का तरीका बता रहा हूं वो आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा साथ साथ जो है यहां पर ये पॉइंट्स आपको लर्न करने सैल्यूटेशन याद हो जाएगा क्योंकि बेसिकली हम आजकल यूज करते हैं बट बनाने का तरीका है एक अकेडमिकल वो आपको इस पॉइंट्स को याद करना है तो देखो यहां पर इनका पहले मैं ट्रांसलेशन बताता हूं हिंदी में आपको समझाता हूं फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू से दैट सबसे पहले मैं आपको कहना चाहता हूं कि अब मान लो पोस्टर में एनवायरमेंट डे लिया ठीक है
तो सबसे पहले मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए, एक मैसेज है, यस ओके ना। फिर इट इज अवर ड्यूटी टू, इसका मतलब होता है यह हमारा कर्तव्य है कि, इट इज अवर ड्यूटी टू क्या आ सकता है, टू सेव ट्रीज, पेड़ पौधों को बचाओ, जैसे यहाँ तो ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज, अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाओ, यहाँ पर टू सेव ट्रीज, वी हैव टू या वी आर टू, वी हैव टू नॉट टू कट ग्रीन ट्रीज, हमें हरे पेड़ पौधों को नहीं काटना है, कुछ भी बन सकता है, जैसे ही पोस्टर बताएंगे आपके सामने आ जाएगा। वी हैव टू कीप इन माइंड, हमें हमेशा याद रखना है क्या, जो भी बात हो उस रिलेटेड हम बोलेंगे कि ट्रीज आर आवर लाइफ, पेड़ पौधे हमारा जीवन है। वी हैव टू ऑलवेज रिमेम्बर, हमें हमेशा याद रखना है टू ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज, अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाना है, सेव ट्रीज, पेड़ पौधों को बचाना है। और उसके बाद जो है आपको क्या करना है बेटा, देखिए आप बताता हूँ एक मिनट, देखो एट लास्ट आई वॉन्ट टू से दैट, देखो लास्ट लाइन में एट लास्ट आई वॉन्ट टू से दैट, अंत में मैं कहना चाहता हूं कि, क्या कहना चाहता हूं, वही कोटेशन बनकर के आ जाएगी, कोई भी कोटेशन अपन सेव ट्री से यहां पर जब पोस्टर पढ़ेंगे उसमें मालूम चल जाएगा। देखो पोस्टर आप लोगों ने पहले ही पढ़े होंगे, पोस्टर है जैसे सेव ट्री है, सेव वाटर है, एनवायरमेंट डे के ऊपर आ गया, या जैसे चाइल्ड लेबर है, या जैसे मान लो किसी भी चीज को लेकर के हम पोस्टर बना दें, ट्रैफिक को लेकर के बना दें, या पेट्रोल को लेकर के बना दें, कार पोलिंग से रिलेटेड बना दें, तो वो सारे के सारे किस पे डिपेंड हो जाएंगे, इन पॉइंट्स पे डिपेंड हो जाएंगे। ये स्पीच हमारा टॉपिक है, इसमें किसी को प्रॉब्लम हो देन कंसल्ट विद मी, कोई समझ में नहीं आया है तो मेरे से बोल सकता है, एनीबडी जिसको प्रॉब्लम हो मेरे से पूछिए, फिर मैं आगे बताता हूँ आगे क्या करना है आपको। दीपक मीना कोई प्रॉब्लम? हितेश सिंह, कार्तिक? नहीं सर। ओके समझ में आ गया बेटा आपको? यस सर। ओके यस सर। लक्ष्मण, राहुल चौधरी? यस सर। वेरी गुड बेटा। यस मालपानी, लोकेश गुजर, ललिता जांगीर, उसने यस बोल दिया है। आपको क्या करना है समझिएगा ध्यान से, इस टॉपिक को आपको अपनी कॉपी में लिखना है, लिखने के बाद जो है आपको इसके पॉइंट्स बनाने हैं, मतलब ये पॉइंट्स साथ में बनाने हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा, जैसे कि मैसेज आपके पास आते हैं कि हमारी नेक्स्ट क्लास जो है वो इस टॉपिक से रिलेटेड होगी, तो मैं आपको अभी बता देता हूँ हमारी नेक्स्ट क्लास किससे रिलेटेड होगी, बताइए कोई बच्चा? पोस्टर। पोस्टर, पोस्टर से रिलेटेड होगी। तो पोस्टर जैसे ही हम पढ़ेंगे तो हमारा देखो बेटा पैराग्राफ से रिलेटेड, हमारे जो है आर्ग्यूमेंट से रिलेटेड, हमारा स्पीच, ये ग्रामेटिकल पार्ट जो राइटिंग पार्ट है वो हमारा क्लियर हो जाएगा। आगे चले आप? ओके यस सर। वेरी गुड यस सर। टाइमिंग का इसको बिल्कुल ध्यान रखना है, वर्ड लिमिटेशन 125 सब, यानी कि 13 से 15 लाइन हो जाएगी, ये जो वर्ड लिमिटेशन है टाइम 15 मिनट का समय होगा, और मार्क्स जो एग्जाम में होंगे हमारे बोर्ड के अकॉर्डिंग, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बोर्ड के अकॉर्डिंग ही होगा इसके अंदर, वो है 7 मार्क्स का, ठीक है, इरेज कर दो इसको। यस सर। ओके यस सर। एक कॉपी आपको प्रॉपर बनानी है, वही कॉपी अपने ऑफलाइन में काम आएगी, ऐसा नहीं हो कि यहाँ पर रफ कॉपी में बना करके नोट्स बना के छोड़ दो, ऐसा मत करना बेटा, पहले बता देता हूं मैं, जरूरी नहीं कि आप लोग जो है वो कॉपी आपको मिल जाए, कहीं पता चले और कहीं और चले गई, खो गई कॉपी, ऐसा मत करना। कॉपी एक प्रॉपर सब्जेक्ट डाल देना है, इंग्लिश, अपना नाम, क्लास, सेक्शन, जो भी आपको प्रोवाइड किया गया है वो आपको ऐड कर देना है उसमें। और एक बात और बता देता हूँ, जैसे ही आपका होम असाइनमेंट हो जाता है, वो क्लियर हो जाता है आपका,
तो आप उसी की फोटो लेकर के आपको ईआरपी पे जो है अपना एज ए होमवर्क उसको मुझे सेंड करना है, फिर मैं चेक कर लूंगा किस बच्चे ने किया किसने नहीं किया है। यस, आगे बात करते हैं। स्पीच को लेकर के हम बात कर रहे थे। देखो स्पीच एग्जाम में क्या होता है, एक बार कोई या तो कोई इमेज दे देता है, कई बार ऐसा पूछता है, एक बार जैसे कोई टॉपिक का नाम सीधा सीधा देता है और उसके बारे में पूछता है कि आप इसके बारे में आप स्पीच बोलिए, समझ में आया ना। हाँ, तो देखो स्पीच के अंदर अब मुझे जहां तक लगता है आप लोगों को अच्छे से याद हो गया होगा, आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा। सर बेटा किसी का वीडियो चालू है, ये दिख रहा नहीं है आप। कौन बच्चा कर रखा है बेटा? ऐसे आप शैतानी करोगे तो मैं आपको यहाँ से हटा दूंगा, ऐसा कोई नहीं करेगा। नहीं बेटा किसी का वीडियो चालू नहीं है, सभी का म्यूट है, वॉइस और सब म्यूट है, जो बोलता है वो मेरे से अनम्यूट होकर के बाद में बात कर ले। यस बोलिए, कौन बोल रहे हैं? ठीक है, देखो ज्यादा टाइम नहीं बचा है, 5 मिनट क्लास हो रहा है, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बोलिए। Anybody face problem? इस स्पीच में कोई प्रॉब्लम है किसी को? नो सर। नहीं सर। ये अमित, राहुल, जितेंद्र तीनों चारों बच्चे जो हैं, इनको कोई प्रॉब्लम? एक साथ बैठे हैं ये? नो सर। नहीं सर। ओके, समझ में आ गया ना? यस सर। ये कौन बोला? लक्ष्मण प्रजापत। बेटा क्या बात हुई? नो सर मतलब क्या बात हुई, बोल के बताइए आप। लक्ष्मण, नो प्रॉब्लम सर। क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने नो सर लिखा मतलब क्या हुआ? ओके चलो देखिए, पॉइंट्स आपको याद करना है सैल्यूटेशन का, उसके साथ साथ जो मैंने बाद में 6 पॉइंट लिखा है वो आपको याद करना है। देखो पोस्टर से रिलेटेड थोड़ी जानकारी आपको देता हूँ मैं, आपने पढ़ रखा होगा जो हम पढ़ेंगे उससे रिलेटेड। मेन टॉपिक हमारा स्पीच था, ये साथ साथ चलेगा, नेक्स्ट क्लास में पोस्टर प्लस स्पीच दोनों चलेंगे। ओके देखो पोस्टर में क्या करना होता है, आपको एक बॉक्स कंपल्सरी, ये आवाज म्यूट रखो बेटा अपनी सभी। स्पीकर ऑन है, ठीक है? आप आवाज नहीं आ रही हो किसी की? मेरे को सुन रहे हो? यस सर। ओके पोस्टर आप लोगों ने, देखो मैं जो बताऊंगा, देखो एक तो हो जाएगा सेव ट्री से रिलेटेड, यही लिख देता हूं मैं, सेव ट्रीज, सेव वाटर। चाहो तो आप पहले से रिकॉर्डेड जो वीडियोज है उनमें भी आप इनको देख सकते हैं। चाइल्ड लेबर और भी बहुत सारे वीडियोज हैं, या बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हमारे पोस्टर में आएंगे, जैसे कि ट्रैफिक से रिलेटेड हो गया। ये आवाज म्यूट कौन नहीं कर रहा, मैं उसको यहाँ से हटा देता हूँ क्लास से। रश्मि का नहीं, सभी के म्यूट हैं। ओके तो देखो आप जब भी अपनी अगली क्लास जो होगी वो पोस्टर को लेकर के होगी, सबसे पहले जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा सेव ट्रीज को लेकर के। क्यों होगा ये बता देता हूं मैं आपको, क्योंकि इससे हमारा जो स्पीच बनेगा सेव ट्री में एनवायरमेंट से जैसे रिलेटेड हो जाए, स्वच्छ भारत अभियान जिसको बोलते हैं हम वहाँ पर हो जाए, ग्रीन इंडिया कैंपेन में, तो उससे रिलेटेड भी हो सकता है। एक इसमें जैसे होता है ब्लड डोनेशन का भी बनता है स्पीच, तो ऑपरेशन फ्री आई ऑपरेशन कैंप से रिलेटेड बनता है स्पीच, तो इन सब को लेकर के हम पोस्टर बनाएंगे और पोस्टर से रिलेटेड हमारा टॉपिक जो है वो क्लियर करेंगे। अब आपको करना क्या है वो और बता देता हूँ।
देखो समझना आप ध्यान से जो मैं बताना चाहता हूं आपको, ज्यादा टाइम नहीं बचा अपनी क्लास का, 1 मिनट है। किसी को क्वेश्चन पूछना है, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, आवाज आप अपनी ओपन कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। टॉपिक हमारा क्लियर है? नो सर। याद हो जाएगा आपको टॉपिक? यस सर, कोशिश करेंगे सर। बेटा कोशिश आपको लिख लिख करके करनी है, लिखोगे तो वर्ड मीनिंग भी आपके तैयार हो जाएगी, स्पेलिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगी, हैंडराइटिंग अच्छी हो जाएगी। और किसी बच्चे को प्रॉब्लम? दीपक मीणा, अमन व्यास? नो सर। वेरी गुड, शाबाश। नो सर। देखो एक बात और ध्यान रखना, आप अपने जो साथी लोग हैं जो क्लास में रेगुलर रहे, 11th क्लास में आपके साथ थे, उनको आप जरूर उनको बोलिए कि रेगुलर क्लास में आए वो, ठीक है ना?